राजस्थान में जहां पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है, उसी बीच इस खबर ने सबको हैरान कर दिया। जी हां, 2 घंटे का पेपर 3 मिनट में हल कर दिया गया और इस मामले में 4 अब पुलिस के चंगुल में है। तस्वीरों में दिख रहे ये 4 वही तुर्रम खान हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। मामला उत्तर प्रदेश के आरटीओ ने 2 घंटे के पेपर को महज 3 घंटे में ही सॉल्व कर डाला। ये सब सुनकर पुलिस भी हैरान थी कि आखिर कैसे आरोपियों ने मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी कुछ ही सेकंड में हल कर दिया। बता दें कि दरोगा भर्ती की परीक्षा नवंबर 2021 में हुई थी। एग्जाम के बाद जब चेकिंग हुई तो मालूम चला कि 4 आरोपियों ने 3 मिनट में 2 घंटे का पेपर सॉल्व कर दिया, यानी एक सवाल को 1 सेकंड में हल कर दिया गया। संदेह के बाद मामले की जांच शुरू हुई और 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जांच करके एक रिपोर्ट हमें दी। उस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने यहां मुकदमा पंजीकृत किया और ये मुकदमा थाना सागर में पंजीकृत हुआ है, जिसका मुकदमा संख्या है 222/2022 और धारा अंतर्गत 420 भादवी और 6/10 उत्तर प्रदेश शारीरिक परीक्षा अधिनियम एवं 66 आईटी एक्ट। इसमें 7 लोग मुलजिम बनाए गए हैं, जिसमें 4 वो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा में दुराचार किया है और साथ में वो 3 केंद्र जहां ये परीक्षा दे रहे थे, इसमें से 1 केंद्र गाजियाबाद का है, 1 केंद्र अलीगढ़ का है और तीसरा केंद्र आगरा का है। जो 4 परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम है अंकित हुड्डा पुत्र बलवान सिंह, दूसरा है संदीप पुत्र श्री कमल सिंह, तीसरा लव कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश चंद्र, चौथा वेद प्रकाश शर्मा पुत्र प्रमोद शर्मा। ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें इन लोगों ने पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को बहुत ही कम समय में हल कर लिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग प्रति प्रश्न हल करने का जो इनका रेट है 1 सेकंड से भी कम का है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, कैसे क्या हुआ ये जांच के क्रम में सामने आएगा, आप सभी को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल इन 4 को जेल भेजा जा रहा है और जो परीक्षा केंद्र पे जो भी दुराचार हुआ है, किस प्रकार हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।